असलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब है। दोस्तों ने वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस आने वाली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसे अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेटमेंट स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसमें जो आपको बताते चलें कि इसमें जो है 2021 की जो है फर्स्ट अनाउंसमेंट है, तो इसमें जो है आप लोगों को मुकम्मल जो है इसका तरीका बताएंगे। इस वीडियो में आपको दो ऐड दिखाएंगे, दो जो है दो पोस्टें जो हैं, मतलब कि दो ऐड जो हैं डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स के, आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है वीडियो को देने से पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब पेज पर। आपने आ जाना है गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है jobpage.info। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की पोस्ट नजर आएगी। आपने उस पोस्ट को ओपन रीड कर लेना है। जब आप उस पोस्ट को रीड कर लेंगे वहाँ पर आपको इसके ऐड मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसका ऐड ओपन कर लेती हूँ ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे जो है क्लियरली शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चलूँ कि ये जो पहला ऐड है, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं तो इसमें जो है पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की है, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की 817 की पोस्ट है। इसमें आपके पास जो है मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और आपके पास जो है 2 ईयर अकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आपके पास है गवर्नमेंट की तरफ से, सेमी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर 25 से लेकर 35 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंस ऑफ बलोचिस्तान से इसमें जो है एक सीट है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है डाटा प्रोसेसिंग की पोस्ट है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 20 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, डाटा प्रोसेसिंग है। और यहाँ पर जो है हर पोस्ट के लिहाज से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट बताई गई है। और यहाँ पर आपका जो है आपकी जो है कितनी वैकेंसी है उसके बारे में आपको बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कौन कौन सी पोस्टें हैं। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, बाकी पोस्टें भी आपको दिखा देते हैं जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, यूडीसी की है, एलडीसी की है, इलेक्ट्रीशियन की है, ऑपरेटर फोटोग्राफर की है, ड्राइवर की है, डिस्पैच राइडर की है, जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है नीचे भी आपको पोस्टर दिखा देते हैं, टेलीफोन टेक्नीशियन की है, सैनिटरी वर्कर की है, नैप कासिद की है, सिक्योरिटी गार्ड की है। तो ये थी इसकी पोस्ट है जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। टोटल 17 पोस्टें हैं। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, अपनी एज का क्राइटेरिया देखकर आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। अब आपको बताते चलें कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों ने जो है बाई पोस्ट आपने अप्लाई नहीं करना, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको जो है www.njp.government.pk यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है मिलेगा। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी है। तो आप लोग जो है 25 जनवरी से पहले पहले तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। वो भी आपको बताएंगे कि आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। और यहाँ पर आपको जो है इनका फोन नंबर भी दिया गया, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए। और अगर जो है इनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनकी विजिट कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल वेबसाइट, यहाँ पर आपको जो वेबसाइट बताई गई है। अब आपको बताते चलें कि आपने जो है इस साइड में अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो है इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। जो वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी एड में बता चुकी हूँ वही वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी पोस्टें मैंने आपसे शेयर की हैं उसको हर पोस्ट के लिहाज से आपको यहाँ पर जो है अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोअर डिवीजन क्लर्क में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है जॉब की आपको जो है यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने डिस्क्रिप्शन इसकी आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली लॉग इन और साइन अप करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अगर आप जो है यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट अपना जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप लोगों ने पहले यहाँ पर साइन अप करना होगा। इसका यहाँ पर जो है आपने अपने पहले यहाँ पर इसके अकाउंट रजिस्टर करवाना होगा। जब आप अकाउंट रजिस्टर करवा लेंगे आपने साइन इन करना होगा तो आपके सामने जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल जो है आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपने सिंपली जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लेना होगा। तो अब आपको जो है इसके नेक्स्ट ऐड के बारे में बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इसका नेक्स्ट ऐड देख सकते हैं और इसमें जो आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर आपको स्टार्ट में बताते चलें कि आप लोगों ने जो है अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है इसका भी सेम है। यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है www.careerjob91.pk। यहाँ से आप लोग जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी है। आपने 25 जनवरी से पहले पहले तक आपने जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा देना है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें जो है डॉक्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, मैं जो है इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट की MBBS डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। उसमें जो है यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं इसमें जो है अभी MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ENT की है, आई की है, उसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की है, और उसके अलावा जो है DDMO की है। आपके पास जो है MBBS आपके पास होना चाहिए, MBBS की डिग्री जो है यहाँ पर मस्ट है। नर्स की पोस्ट है तो इसमें आपके पास जो है 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। अगर
आपके पास जो है बीएससी नर्सिंग में है, एमएससी नर्सिंग में भी है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन टू की पोस्ट है और इसके अलावा जो है टेक्नीशियन एक्सरे की है, मेडिकल की है, तो इसमें जो आपको मैट्रिक और एफएससी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर जो है आपको बताते चले कि इसमें जो है मैट्रिक से ऑनवर्ड आपकी जितनी भी स्टडीज़ हैं आपको जो है सेकेंड डिवीजन अलाउ है, वो भी जस्ट एक सेकेंड डिवीजन अलाउ है, फर्स्ट डिवीजन आपकी जो है होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, और आपको जो है कोई थर्ड डिवीजन आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर आपका जो है सी जी पे मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी में, जब अगर आपने जो है क्वालिफिकेशन की हुई है तो आपको जो है 4 में से 2.5 आपका सी जी पे होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स के साथ, और 18 से लेकर जो है 35 साल की इसकी एज लिमिट है। तो इसमें जो है 35 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मैं डेली